जम्मू कश्मीर के नए आईजी बसंत रथ ने श्रीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिया कई सवालों का जवाब। हमेशा मीडिया से दूरी बनाने वाले बसंत रथ ने आखिरकार मीडिया से रूबरू हो ही गए। उन्होंने उन सारे सवालों का जवाब दिया जो सब लोग पूछ रहे थे। जो रूल्स हैं उसको मानना पड़ेगा। मैं आपको दे रहा हूँ कमिटमेंट कि अगर कोई बंदा 26 लाख का गाड़ी चलाता है और कोई बंदा 8 लाख का गाड़ी चलाता है, मैं क्लियरली बोल रहा हूँ, मैं पहले 26 लाख वाले को पकड़ूंगा, इसको बाद में बोल रहा हूँ। तो आप ये मत सोचिएगा कि जो ट्रैफिक पुलिस है वो नजरअंदाज करेगा कुछ लोगों को, क्योंकि जस्ट बिकॉज दे आर पॉलिटिकली कनेक्टेड, जस्ट बिकॉज दे हैव अ लॉट ऑफ मनी, जस्ट बिकॉज दिस इज द कल्चर दैट हैज बीन प्रिवेलिंग हियर, नहीं होगा। नंबर वन। नंबर टू, आप मेरे लिए काम मत बढ़ाइए। मेरे लिए जब तक मैं ट्रैफिक में हूँ, मेरे लिए हॉलीडे का कंसेप्ट है नहीं। स्नो नो स्नो, संडे नो संडे, रेन नो रेन, मेरे लिए एवरी डे इज अ वर्किंग डे। तो मैं चाहता हूँ कि अगर मैंने बोल दिया किसी को कि भाई साहब आपको यूनिफॉर्म पहनने की जरूरत है, आप मेरे लिए, आप नहीं पहनोगे ना, मेरे लिए काम बढ़ेगा, और मेरे लिए काम बढ़ेगा तो आई विल मेक थिंग्स डिफिकल्ट फॉर यू। जब पुलिस वाला बोलता है कि, तो मैं ये बता रहा था, जब मैं बोल रहा हूँ कि आई विल मेक थिंग्स डिफिकल्ट फॉर यू, तो इशारा काफी है कि जो टिपर वाला पंगा है इसमें आपको पता भी है इसके पीछे पॉलिटिकल इकोनॉमी क्या है, किसका कौन सा इंटरेस्ट ग्रुप है क्या है, आपको पता है, लेकिन टाइम लगेगा। हम स्टैगरिंग करेंगे, जो पूरा दिन में अगर देखेंगे जो पूरा वर्कलोड होता है वो एक ही पैटर्न नहीं रहता है थ्रू आउट 12 आवर्स दिन का। अगर देखेंगे जो मैं स्टडी किया हूँ, 7 से लेके 10 तक या 8 से लेके 11 तक वो काफ़ी उस टाइम प्रेशर ज़्यादा होता है, 11 से लेके थोड़ा सा कम हो जाते हैं। तो जो हमारा डेवलपमेंट है उस हिसाब से फ्लक्चुएट करेगा। शाम को जो रस होता है खासकर 4 बजे के बाद, तो उसमें हम उस टाइम ज़्यादा डेवलपमेंट रखेंगे, ज़्यादा ऑफिसर्स, बस ड्राइवर्स, ये जो ड्राइवर्स हैं दे लव टू बी अकाउंटेबल। दादागिरी नहीं चलेगी, जहाँ मन किया सवारी उठा लिए, जहाँ मन किया सवारी चढ़ा लिए, वो नहीं चलेगा। यूनिफॉर्म पहनना पड़ेगा उनको, और जो लेडी जो फीमेल पैसेंजर्स हैं उनको ये लोग गाड़ी में खड़ा नहीं रखेंगे, चाहे जितना भी ओवरलोड हो पहले वो बैठेंगे। आई विल मेक देम अकाउंटेबल, इंटीग्रिटी मैटर्स टू मी, पैसा पैसा चलेगा नहीं, जो चलेगा वो जाएगा यहाँ से वापस। जो ओवरलोडिंग इशू है ना, इट्स अ मैटर ऑफ सप्लाई एंड डिमांड। 4 बजे शाम को 4 बजे अगर सारे बंदे घर जा रहे हैं तो उस टाइम डेफिनेटली मेटाडोर स्पेस कम होगा, तो नेचुरली ओवरलोडिंग थोड़ा सा रहेगा। लेकिन ओवरलोडिंग का मतलब नहीं कि जो गदर हुआ है ना वहाँ पे, नैतखाई है ना, बारामूला पांजला टांगी बचा इलाके में, मैं देख रहा था वहाँ, हाँ, तो मैं देख रहा था 15 बंदे खड़े हैं लैडर में और ऊपर मिला के, ये चलेगा नहीं किसी भी हालत में। ये लोग ये नहीं करेंगे, इनको ओवरलोडिंग में खड़ा वहाँ लेडीज खड़े नहीं, लेडीज बैठेंगे। नंबर टू। नंबर थ्री, आई विल मेक ट्रैफिक कॉप्स अकाउंटेबल। आपको भी पता है कितना करप्शन था और कितना करप्शन है अभी। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि 100% मैं उठा दूंगा ये, कि मैं मैजिकल वंड है नहीं, लेकिन यस, इंटेग्रिटी इज समथिंग दैट मैटर्स टू मी। गाड़ी से ये हुआ चालान सीआरपीएफ जो है ना, एनफोर्समेंट इज नॉट गिवन। अगर कोई लॉ बनाया गया, कोई रूल बनाया गया, उसका एनफोर्समेंट जो ग्राउंड में होगा ना, देयर इज अ गैप। तो आप ये मत बोलिए कि रेड लिस्ट नहीं है, रेड लिस्ट है, लेकिन टाइम लगेगा। और एक चीज बोल रहा हूँ, मेरे पास कोई मैजिक वंड है नहीं कि बंदा आया बैठ गया ग्राउंड में, बैठ गया तो 2 मिनट में सब कुछ ठीक हो गया, वो नहीं। जो होता है ना ग्रेट मैन मेक हिस्ट्री, वो थ्योरी में यकीन नहीं करता। 3 चीजें हैं इसमें। नंबर वन, हिंदुस्तान में VIP कल्चर है, आपको मानना पड़ेगा, ठीक है। और मैं इस कल्चर में मानता नहीं हूँ। जम्मू में मैं क्या किया हूँ, जैसे क्लासिक एग्जाम्पल, आई डोंट नो, मैं अपना ढिंडोरा नहीं पीटूंगा, आपको पता है, आप अपना रिसर्च कर लेना। लेकिन इसमें सिक्योरिटी एंगल है, ठीक है। जम्मू में मेरे टाइम में VIPs ट्रैफिक लाइट्स में रुके हैं और बहुत अच्छे से रुके हैं, लेकिन यहाँ सिक्योरिटी का देखेंगे, लेकिन ऐसा नहीं क्योंकि काटे ब्लांस मिल, मैंने सिक्योरिटी के नाम में आपको मिल गया लाइसेंस की वजह से आपको जो करना है कर लो, वो नहीं होगा। तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, नहीं आए मेरे लिए, ज़्यादा ट्रेंस वगैरह नहीं है, चेंज हुआ ना। आई हैव ए स्ट्रॉन्ग बिलीव ट्रैफिक फ्लो वट एवर, ट्रैफिक पुलिस का रोल है 25% करता हूँ, क्योंकि सिविलियंस वो देख रहा है कि भाई साहब अगर SP की गाड़ी पकड़ा जाएगा, DC की गाड़ी पकड़ा जाएगा, तो ये किसी को छोड़ेगा नहीं। और एक बात बता रहा, आप बोल रहे ना यूनिफॉर्म के बारे में, अगर मैं मेटाडोर में चढ़ता हूँ ना, IG स्टार पहन के ना मेटाडोर में चढ़ेगा, मजा नहीं आएगा। मेरी मम्मी इसके लिए नहीं भेजी थी मुझे कि तुम IPS में जाओ, यूनिफॉर्म में जाओ, बैठ जाओ मेटाडोर में। अगर मैं खुद नहीं गया, अगर मैं जो 25 लाख का बंदा SUV चलाता है, अगर उसको मैंने चालान नहीं किया, मेरा सिपाही भी नहीं करेगा। और जो जो जो
गुंडागर्दी चलता है ना रोड के ऊपर, उसको ठीक करने के लिए कोई ऑफिसर का प्रेजेंस जरूरी है। मेरे से पहले कितने एसयूवी चालान हुए जम्मू में वो भी आपको पता है। वो डिपेंड करता है मुझे ऑब्जेक्टिव क्या चाहिए। आई एम ग्रेटफुल दैट यू आस्क मी दिस क्वेश्चन। मेरे से पहले भी यूनिफॉर्म पहन के आए हैं, उससे क्या हुआ है आपको दिखाई दे रहा है। मेरा 37 दिन या 40 दिन हुआ है, उससे जम्मू में क्या फर्क पड़ा है वो आपको भी दिखाई दे रहा है। अगर मैं यूनिफॉर्म पहनूंगा तो मेरा काम करने का तरीका, आई नीड टू बी अ स्पाई, आई नीड टू कीप एन आई ऑन व्हाट माय पीपल आर डूइंग। मैं आगे सीखी मार दिया और आप लोग मान ली। मेरे आने के बाद नेशनल हाईवे में कितना करप्शन कम हुआ है वो आपको भी बताएं। अगर मैं यूनिफॉर्म पहन के स्टार लगा के सिक्योरिटी कवर लेके गाड़ियां लेके लाल बत्ती लेके गए, इससे काम होगा नहीं। द आइडिया इज टू मेक पीपल वर्क। अगर मैं यूनिफॉर्म पहन के अगर सेरेमोनियल ये बन गया ना रबर स्टैम्प, उससे काम नहीं होगा। एंड आई एम नॉट बीइंग अपोलोजेटिक, यूनिफॉर्म पहनने का कोई भी इरादा नहीं मेरा अभी। पहले मैं काम करके साफ करके दिखाऊं, उसके बाद मैं आऊंगा। रिसोर्सेस आने के बाद होगा। कुछ चीज़ें हैं जो मेरे प्रेजेंस की वजह से हो रहा है, ठीक है। मैं सोशल मीडिया में एक्टिव हूँ, जब बना आईजी ट्रैफिक, उससे पहले नहीं था। क्योंकि मेरा जो रोड यूजर्स हैं, कश्मीर का एक ड्राइवर अगर कहीं फंस गया है और उसके घर में कुछ इमरजेंसी है, मुझे कहाँ से पता चलेगा। ऐसा नहीं कि मैं अपना ब्रांड बनाने के लिए जाके बैठ गया। इट्स अ जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो स्कूल मैनेजमेंट है उनके लिए ट्रांसपोर्ट सिस्टम इंपॉर्टेंट है नहीं। क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है आपको ज़्यादा पता है मेरे से। आई एम अकाउंटेबल, मेरे टाइम में ये नहीं होगा, नंबर वन। नंबर टू, पेरेंट्स इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं। पेरेंट्स को पता है कि जो वैन है वो वैन में 20 बच्चे बैठेंगे, फिर भी दे आर नॉट बीइंग रिस्पॉन्सिबल इन देयर बिहेवियर। नंबर थ्री, और ये बीमारी काफ़ी देर से है, आप ये नहीं बोल सकते कि ट्रैफिक पुलिस गलत कर रहे हैं, पैसा खाता है। मैं ये नहीं बोलूँगा कि ट्रैफिक पुलिस पैसा नहीं खाते हैं, आपको ज़्यादा पता है। ये सब बढ़ रहा है, ये जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसमें टाइम लगेगा। आप अगर ये सोच रहे हो कि सब कुछ पुलिस वाले करेंगे या सब कुछ ट्रैफिक वाले करेंगे, वो गलत है। लोगों का भी तो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है ना। और जो बीमारी, जो माइंड सेट, जो बीमारी पिछले 10 साल से, 15 साल से, 20 साल से आपको ज़्यादा पता है, वो एक दिन में ख़त्म नहीं होगा ना। मेरे टाइम में अगर कहीं भी थोड़ा बहुत ओवरलोडिंग हुआ, लड़कियां या लेडीज, स्टूडेंट्स हो गए या बाकी लोग हैं, वो लोग कभी भी गाड़ी में खड़े नहीं रहेंगे। मेरे टाइम में ये चाहे ओवरलोडिंग होता है, क्योंकि टाइमिंग के ऊपर डिपेंड करता है, स्कूल में या 9 बजे आते हैं, तो उस टाइम इतना नहीं होगा जितना चाहिए था मटोरिस वगैरह। तो उस टाइम अगर ओवरलोडिंग हुआ भी है, ये मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मेरे टाइम में लेडीज़ खड़े नहीं रहेंगे गाड़ी के अंदर। आपको पता है होता क्या है, एक्सट्रीमली फ्रस्ट्रेटिंग नहीं होगा। तो इस तरह और काफ़ी चीज़ें इशूज़ हैं। नो पार्किंग एरियाज़ में ये रखते हैं, रोड बिहेवियर है नहीं, सिविक सेंस है नहीं रोड पे, और हर कोई चाहता है कि अगला ड्राइवर जो है वो अच्छे से बिहेव करेगा, खुद नहीं करेगा बंदा। तो टाइम, और मैं क्या करूँगा श्रीनगर में, उसका कोई कनेक्शन है नहीं दरबार के साथ। ये गलतफहमी है कि दरबार आएगा तो मैं आऊँगा यहाँ पे, ऐसा कुछ भी नहीं है। आई जस्ट नीडेड सम टाइम फॉर जम्मू, क्योंकि जम्मू मेरे लिए प्रायोरिटी इसलिए बन गया था क्योंकि वहाँ ज़्यादा प्रॉब्लम था। वहाँ काफ़ी दरबार भी है, काफ़ी गाड़ियाँ भी हैं, और रोड कम्प्यूटर्स वहाँ पे जाता है, तो इसीलिए मैं जम्मू में रहा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, श्रीनगर विल बी मोर इम्पोर्टेंट टू मी, बिकॉज द वॉल्यूम ऑफ टूरिस्ट ट्रैफिक इज मोर इन श्रीनगर।